नमस्कार प्रणाम, मैं आपका भाई अभिषेक चंचल। आज बेहद खुशी की बात है कि आज हम लोग के दरवाजे पे अशोक से भैया आए हुए हैं और इनका काफ़ी सुपर हिट फिल्म आ रहा है रब हमसे मिला दर। और इनके फिल्म में आयाज खान जी, मनोज टाइगर जी, अंजना सिंह जी, यश कुमार जी, बहुत अनेकों कलाकार जो हैं, अनुप अरोरा जी, बहुत सारे कलाकार काम किए हुए हैं और बहुत बेहतरीन फिल्म है और बहुत जल्द वो सिनेमा घर में लगेगा, आप लोग देखिएगा। और बताइए भैया कि इधर कैसे आना हुआ हम लोग के एरिया में। नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हम अरशद शेख आ यहाँ के भैया हमार पूछनी हो, भैया कहीं, बबुआ कहीं, छोट भाई कहीं, जौन रउआ लोगों के समझ में आवे उ कहे हम लोगन। आ ये लोग जनबा लोग वीडियो, कॉमेडी वीडियो बनावे था लोग। आ वीडियो के बारे में हम यूट्यूब पर भी देखनी हो, आ बहुत लोग के मुँह से चर्चा भी सुनने बने, बहुत तो फेमस रोल बन लोग, भगवान करस की बहुत बुलंदी पर जा लोगन। आ शिव कुमार जी जिन राइटर बानी यहाँ के, शिव कुमार ना मानू, शिव प्रेमी जी यहाँ के लेखक बानी, आ यहाँ के भी बहुत यूट्यूब पर हम वीडियो, गाना, एल्बम, कॉमेडी, बहुत तरह के यहाँ के मटेरियल बना के दे रहा बानी, जौन यूट्यूब पर समझे कि मिलियन क्रॉस कर रहा बा। आज शिव जी से हम मुलाकात करे खातिर एनी हो कि यहाँ से कुछ गाना अपना एल्बम खातिर भी हमरा लेवे के बा। अच्छा शिव जी बताई, गाना जो रुआ लिखे नहीं ओकर जे भी होके केहू ना केहू तो आवत हुई से लिखवावे खातिर, तो अगर केहू आवेला तो रुआ मैंने गाना जी से गाना तो समझी कि तो सरस्वती है, जौन भी रुआ राइटिंग करत नहीं तो सरस्वती के दिन तो एक और कुछ चार्ज भी लेनी कि मैंने यही तरह मैंने समझी कि सरस्वती समझ के दे देने कि कुछ हो ही कि भाई मैंने होता है कि जैसे हम फिल्म बने ले बनी, हम फिल्म बने बनी तो जैसे हमार फिल्म बा रब हमके मिला दा हमारा जान से, जब अभी समझी कि दो चार महीना पहले हम लखनऊ में शूट कर लिया फिल्म में अंजना सिंह, याज खान, अनूप अरोरा, शारदा नौल, मनोज टाइगर के बतासा भी कहा जाला, बतासा चाचा, ये सब लोग बा, सीटी बानी, ललधारी बानी, म्यूजिक डायरेक्टर जी हमार बन, मधुकर आनंद बन, प्रदीप खाड़के फाइट मास्टर बन, डांस मास्टर कानू मुखर्जी जी बानी, सिंगर जी बा आलोक कुमार, प्रियंका सिंह, इंदु सोनाली, मोहन राठौर, अंतरा सिंह, ये सब जे भी लोग के हमले के बनैले बानी, पर हमार तो कुछ ना कुछ फेयर गई बा। अब देखिए ये लोग के हायर करे खातिर, ये लोग के लेवे खातिर प्रोड्यूसर के पैसा खर्चा करेंगे। अब मान लीजिए जैसे एगो रउआ प्रोडक्शन तैयार करता है, तो प्रोडक्शन सबसे पहले बनावे खातरा उसमें भी रउआ समझ बहुत ट्रीटमेंट को कर देवे पड़ेगा, प्रोडक्शन के हो गए। ओकरा बाद रउआ अगर कोई फिल्म मेकिंग के काम सोचले बनी कि हमारा अब फिल्म बनावे के बाद, तो उसमें भी पैसा खर्चा होला। तो जैसे अंजना सिंह के हम ले रही, तो पैसा तो हम केहू के रेट खोलेम ना, ऐसे कि सबके अपन अपन पर्सनल अंदरूनी बात होला। अगर वह जितने पहुँच बा अपना पहुँच के हिसाब से वहाँ जाके अपन लाइनअप कर सकता नहीं, अच्छा बिहेव बा तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए फिल्म में काम कर देते हैं, आप भी खड़े हो जाइए। तो सब लोग के हम भी गईनी बात कैनी, कुछ लोग के फेस टू फेस बात भैल, कुछ लोग के फोन के द्वारा भैल, कुछ लोग के केहू और लाइन अप कैल, तो ए द्वारा बात भैल कि हमार भी कुछ ना कुछ बजट गई रहो फिल्म में गई बा। तो समझी कि हम ऑडियंस के सामने नहीं कह सक, आ सब लोग बहुत अच्छा कलाकार बा, आ फिल्म में जे भी हमारा कलाकार काम कैले बा वो लोग के जब भी कोई प्रोड्यूसर होकस या विचार होकर प्रोड्यूसरी करे के तो रउआ सब ये लोग के जरूर ले, काहे कि ये लोग बहुत कोऑपरेटिव कलाकार बा, जे भी बा बहुत सपोर्ट करे वाला बा, आ ये लोग में कोनो दिक्कत नहीं है, रउआ लोगन आराम से ये लोग ले सकता नहीं, काहे कि हम ये लोग के संगे काम कर चुकल बानी, हमरा के ये लोग बहुत सपोर्ट कर। तो पैसा के बाद जैसे प्रोडक्शन कंपनी हो गई, गाड़ी हायर करे के बाद वहाँ कुछ ना कुछ लेवे, जैसे जेकरा भी लियावे के बाद कुछ ना कुछ तो लागी, ऐसे है कि सबके पास बाल बच्चा बा, सबके पास जिए के आधार होके के चाहिए, अगर मान ली कुछ ना ले आई तो फिर गाड़ी चली कैसे,
कैसे गाड़ी चली ना चली ना ले आई। अब रउ शिव कुमार जी रउआ बानी, अगर रउआ मान ली वो गाना लिख के केहू के दे, अगर यही तरह रउआ दे तो राउर बाल बच्चा राउर घर दुआ ई सब ना चली, कुछ ना कुछ तो ना भी मांगे तभी जो अच्छा प्रोड्यूसर हुई या जे भी अच्छा सोच के आदमी हुई वो आई तो रउआ के कुछ ना कुछ जरूर दे के। हम भी फिल्म के काम कैनी तो सब लोग के पास कॉलिंग घूमें, कोई केहू हमरा से ना कहलस कि हमरा इतना पैसा चाहिए, कोई डिमांड नहीं किया। ठीक है, आपको जो अच्छा लगा, आपको जो अच्छा सॉरी आपको जो अच्छा लगे आप दे दीजिए, यही ये बोले रहे लोग। तो हमारा जैसे अपना हिसाब से जो अच्छा रेट लागल भैया हम इतना दे सकता है का, हम नया नया रनी लाइन में तो समझी कि नया नया हम आई रनी तो ठीक बा, कोनो बात नहीं है बाबू, हमने के आशीर्वाद बा दुआ बा कि तू खड़ा हो। तो सब कोई कॉपरेट कैल तो रउआ ये बताई जैसे केहू के गाना देता नहीं तो फेयर लेनी कि अपना मन से ही जरा देवे के लिए जौन बुझा लगे दे देना, अपना मन से ही सभी दे देना। चलिए बहुत बहुत खुशी के बात बा कि हमनी के पश्चिमी चंपारण के आ जिला जवार के हमनी बानी सन आ शिवजी कुमार जी जे बा राइटर साहब आ यहाँ के बहुत खुशी के बात बा कि यहाँ के जौन भी गाना देनी चाहे वीडियो बनावे नहीं एक कोनो डिमांड ना करें, ये हमनी के पश्चिमी चंपारण के सोच होके चाहिए। ठीक बा, काहे कि गाना जौन बा सरस्वती के दिन बा एकरा के केहू नहीं के दे सकल, एगो गाना रउआ 5 मिनट के 3 मिनट के 2 मिनट के गाना अगर राइटर केहू लिखता उ गाना 200, 300, 400 मिलियन जाता, खैर मिलियन ले जाए खातिर एगो राइटर साहब के योगदान ना होला, बहुत लोग के योगदान होला मिलन जाए खातिर, लेकिन सब केहू एक दूसरे कोऑपरेट करेला। आ शिवजी जी हम रउआ से मिल के बहुत मने हमरा खुशी भई कि रउआ हमारा जिला जवार पश्चिमी चंपारण के होके इतना रउआ अंदर तो मने भावना बा कि हम अपना गाना के केहू से अभी ले चार्ज नहीं कैले आ ना कभी भविष्य में हम चार्ज करब, भगवान करस कि रउआ यही तरह बुलंदी पर जाई का आ खूब नाम कमाई। तो रउआ हम यहाँ से आयल बानी शिवजी जी के पास एल्बम में यूट्यूब पर बहुत अपन जो भी हमार दोस्त वालों फ्रेंड वालों उन लोग के मुँह से सुनले बानी कि शिवजी जी बहुत अच्छा आदमी हैं आ नया लोग के बहुत कोऑपरेट करेनी। तो हम कहनी कि चली तनी शिवजी जी से मिल रहा जाओ, काहे कि शिवजी जी के घर हमार घर समझी कि 1 किलोमीटर के डिफ्रेंस में बा, दूर के तो हमनी के बानी सना, लेकिन शिवजी जी बेतिया में भी रह लन आ इनकर पखनाहा बाजार जन बा बेतिया से कितना किलोमीटर पड़ी 12 किलोमीटर पखनाहा बाजार होला सॉरी पखनाहा बाजार पड़ेला। तो पखनाहा बाजार में यहाँ के रनी हो तो हमनी के एक दो दिन पहले ही लाइनअप मिले खतरा कैले रनी हो तो आज शिवजी जी के दरवाजा पर आइल बनी, यह शिवजी जी के घर हो आ ये घर में शिवजी जी रहे नहीं परिवार के साथ अपना खुशी से रह तनी जिंदगी अपन बसर कर रहा बनी। अच्छा शिवजी जी ये भी लोग बैठल बा शिवजी जी के टीम हो, टीम एगो होला जैसे हमने के फिल्म बनावे नहीं सन तो एगो टीम होला आ बिना टीम के वो हम होखी या कितना हूँ बड़ा स्टार के वो के बिना टीम के वो स्टार बन नहीं कर सकते। अगर हम अभी फिल्म जो पहनी है रब हमके मिला था हमारा जान से अब हम ऑडियंस के सामने कहीं कि हम अकेले फिल्म बना ले बनी तो ये हमार मूर्ख ही बा, बिना टीम के कुछो नहीं के हो सकत आ टीम ही बहुत बड़ा हीरो के खड़ा करेला आ टीम ही हीरो के सुपर हिट बनावेला। तो जैसे ई शिव कुमार जी के सब टीम है ये लोग अभी जा रहा बा लोग पखनाहा बाजार बगल में बांध बा वहाँ ये लोग जाता लोग कौन सी कर जाता है कॉमेडी वीडियो तहार कौन रोल है तनि ऑडियंस के बताओ तो रोल नहीं के बताई तो आज बताई हमने के तो फिल्म के काम होला तो 3 महीना पहले ही से रोल बटा जाला स्क्रीन सब अलग अलग शेयर हो जाला कि आपको ये करे के बार हुआ ये करे के बार हुआ ये करे के बार हुआ ये करे के बार। तो खैर फिल्म जनबा थोड़ा बड़ा बजट के होला थोड़ा के बहुत बड़ा बजट के होला आ ये लोग के कॉमेडी वीडियो बनाओ था लोग मैंने एकदम सेटअप कि तोरा ही बोले माइंड में कहानी पॉल बा ऑन द स्पॉट बना के आदमी कर ऑडियंस के बताओ एकदम पूरा मैंने समझी कि
अच्छा कहे का मतलब कॉमेडी तू बनाव तो कम से कम पहले से प्लान होत हो कि हमारा हई काम करे के बाद प्लान तो सब पहले सामान में का लागता कथी कथी गरज बा सब कुछ व्यवस्था के बाद हम दस पर कहानी के ऊपर लिख के ले जाए कभी तो लिख के ना ले जाए आदमी बस दिमाग में बा माइंड में बा आदमी लेकर शूटिंग कर वो मैंने कहे का मतलब कहानी जैसे तुमने स्टोरी जैसे तैयार कर लो तो स्टोरी के हिसाब से करेक्टर दे जाला कि वही काम कर जे कहानी बनैले हम बनैले बन चाहे भैया चाहे केहू भी जे भी कहानी बनैले वो जानता कि हाँ हमारा कौन करेक्टर के करा के देख चाहिए केकरा को शूट करें वो हिसाब से देख लेगा आ वो हिसाब से उनका पहले एक दिन पहले चाहे शूटिंग पर बता देंगे मतलब समझी कि रउआ स्टोरी लिख दी आ एक स्क्रीन प्ले सब ही करा ना मैंने जौन भी करे के बाद सब अपन मतलब समझी कि डायरेक्टर ना फिर कहे के मतलब बहुत ज्यादा होला डायरेक्टर के भी अलग भूमिका होला प्रोड्यूसर के भी अलग भूमिका होला एक्टर के अलग भूमिका होला जो लेखक होला जो स्टोरी लिखेला ओकर अलग भूमिका होला जैसे स्टोरी जो लिखता ओकरा कहे में एगो सीन करे के तो बड़ी मुश्किल हो जाए भले अलग से डायरेक्शन दे सकता अलग से ओकरा से जितना डायरेक्शन दिवान ले दी क्या हमारे फिल्म में स्टोरी जो लिखले रहुए तो डायरेक्शन अच्छा दे लेकिन कैमरा के सामने ले आवल जाए तो बोले कि नहीं कि हम नहीं कैमरा मेरा जो हाँ हाँ तो वह बात बात करो वह यहाँ के मान ली स्टोरी लिख के दे दें आ यहाँ के डायरेक्टर पर के सब लोग के हाँ समझे ना कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर सब ग्रुप पे रहेगा हम लिखे अगर बोला ना कौन टीम बा टीम में 10-12 हर टीम बा तो अभी कहाँ वीडियो बनावे के प्लान मैंने अभी जान के हम आई बनी सुबह के समझी की सुबह बा सुबह तो नहीं थे लेकिन समझी के मैंने सवेर मैंने सवेरे तो 10 बजे पहले बात सवेरे हाँ ठीक बा अभी फिलहाल दशहरा आ गया था तो दशहरा की वीडियो शूट करे के बाद कुछ गाइन वगैरह भूत वगैरह के कहानी सब प्लान कर रहे तो हमारा वह था बिहार से परसों तक शूटिंग में थे नरसों तक चली गई अच्छा तो कहे का मतलब एक दिन में तुनी के फाइनल हो जाएगा वीडियो वन डे में शूटिंग उसके रात एडिटिंग है उसका अगले दिन एडिटिंग दो दिन में कम्प्लीट क्योंकि हम लोग के पास स्ट्रेंथ ये है कि हम लोग खुद सब करते हैं अब चाहे वो कहानी हो पैसा लगाना हो एक्टिंग करना हो हमको कहीं से किसी को भाड़े पर थोड़ी बुलाना है कि हाँ भैया आइए काम कीजिए हम लोग खुद सब कुछ करते हैं इसलिए जल्दी हो पाता है अब आपके काम में ये है ना कि सबको बुलाना है हम लाइन अप करना देखिए फिल्म जो एक ऐसा चीज़ है उसमें हम लोग सब हायर करेंगे हर एक चीज़ यहाँ तक के रहुआ एक जैसे बा एक मेकअप के सामान हो गए एक कलम हो गए एक मूर्ति हो गए ऊपर भी अलग अलग होगा अलग अलग प्रकार फिल्म तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा छोटा प्रोजेक्ट नहीं है लेकिन हाँ फिल्म में तो पैसा भी इन्वेस्ट ज़्यादा होगा लेकिन बहुत चीप इन्वेस्ट में भी हो जाए अपन अपन पकड़ के बात बा अपन अपन सोच के बात बा लेकिन फिल्म में खर्चा जो होगा स्टोरी के हिसाब से होगा अगर लव स्टोरी बा लव स्टोरी बा एक ही जगह के सिचुएशन वो बनैले बनी जो राइटर बा एक ही जगह के बनैले बा तो वहाँ थोड़ा बचत खर्चा का बजट कम होला आ उधर राउर फिल्म कमर्शियल हो जाए पूरा एक्शन मूवी हो जाए बजट थोड़ा भागी हमारे जो फिल्म बनल बा वो फिल्म समझी कि मैंने पारिवारिक से लेके कॉमेडी से लेके समझी कि रोमांस से लेके एक्शन से लेके हर एक मटेरियल भरल बा आ रउआ सब एक बार जरूर देखें एक बार तो रउआ सब जरूर देखें अच्छा एक बेर देख लें तो बार बार मन करी देखे के काहे कि फिल्म जो बा फिल्म में हर ट्रीटमेंट दहल बा फिल्म में हर ट्रीटमेंट दहल बा जौन रउआ जैसे एक नंबर सीन से रउआ लास्ट सीन तक जाए एगो सीन में रउआ लोगों के हटे का मन ना चाहिए हटे का मन ना करी आ सीन एक सीन के बाद दूसरा सीन देखें तो मन करी कि ना रुको रुको अभी सीन देखे हम फिर दूसरा सीन देखें काहे कि एक तरह फिल्म में जो जो करा के मैंने समझी कि मैकिंग कर गई बा करा के एक एक सीन के जो लाइनअप कर गई बा कॉमेडी होखे रोमांस होखे एक्शन होखे इमोशनल होखे लव होखे वो हरेक सीन के अच्छा तरह से दर्शावल बा ऑडियंस रउआ सब जे भी बानी खैर हम तो कहे के बनावे खातिर तो फिल्म बना दे बनी डिसीजन रउआ लोगों के करे के बा लेकिन एगो बनावे से पहले ही अंदर एगो ऊर्जा हो जाला ऊर्जा जाग जाला कि हम जौन भी ऑडियंस के जे भी हमार भोजपुरिया दर्शक बा ओकरा के जौन चीज दे रहल बानी वो हम मने सुपर डुपर दे रहल बानी सुपर डुपर दे रहल बानी तो उ चीज रउआ लोगों के बहुत अच्छा लागी एक एक सीन में रउआ लोगों के मियाँ मस्त हो जौन भी सीन हो
एक सीन से लेकर फाइनल सीन तक रउआ लोगों के मजा ही मजा मिली, उ जौना तरह से मिले, रोमांस से मिले, कॉमेडी से मिले, लव से मिले, गाना से मिले, इमोशनल से मिले, पारिवारिक से मिले, सब सीन में रउआ लोगों के आनंद मिली। हमार फिल्म रब हमके मिला दा हमारा जान से रउआ लोगन जरूर देखें, लोगन अपन आशीर्वाद प्यार जरूर हमरा के दिन लोगन, बिना रउआ लोगन के आशीर्वाद प्यार से हम एक कदम नहीं बढ़ सकब। रउआ लोगन भी आशीर्वाद प्यार दी आ भगवान भगवान भी हमरा पर कुछ भगवान भी रहम बरसावत रहस का भगवान भगवान हमरा पर थोड़ा उपकार करत रहस कि हम भी आगे बुलंदी पर चहुँपी। आ जब बुलंदी पर चहुँपेम तबे हम नया नया कुछ लेके आयल छी, सोच सोच के हमरा दिमाग में मने समझी कि बहुत तरह के चल रहल बा, मने बहुत तरह के मने सिचुएशन हमरा दिमाग में चल रहल बा कि हम हई बनाएम हई बनाएम हई बनाएम। अभी हमरा प्रोडक्शन में 3 मूवी के काम चल रहल बा, दिल चुरा के ले गई, फाइटर भैया, मेरे लिए तुझे रब ने बनाया, आ जौन अभी जौन मूवी पहनी हो रब हमके मिला दा हमरा जान से उ मूवी कम्प्लीट हो गई बा। उ मूवी मुंबई में आई फोकस स्टूडियो में पोस्ट प्रोडक्शन के काम चल रहा बा, फाइनल ही पोजिशन पे बा, बहुत जल्दी रउआ लोगों के सामने यूट्यूब से लेके टीवी से लेके आ सिनेमा हॉल में रउआ लोगों के नजदीकी सिनेमा हॉल में देखे के मिले। हाँ अब बताई रउआ क्या पूछा था, मतलब जैसे फिल्म जो होला फिल्म में देखिए अब जैसे कहे का मतलब रउआ लोग जैसे अब हमारा बताए कॉमेडी जैसे बनाओ तनी तो उहे आवाज रहेला कि फिर हमें डबिंग रउआ करे ना आप जो जैसे अभी हम ऑडियंस के सामने बोल रहा बानी ये हमारे रियल आवाज जाए, अगर साइड से कोनो बच्चा गुजरता चाहे साइड से कोई साइकिल वाला जाता चाहे केहू भी आके बोला तो आवाज क्या छू जाए, यही तरह फिल्म होला तो सब लोग के वहाँ जाए के पड़ेला। अब वहाँ जाए के पड़ेला अब देखिए डबिंग के समय का बा, जैसे हम जाके अपन डबिंग कर लेनी फोन कहनी हाँ भैया कहाँ बानी आई ना रहू डबिंग हो जाए तो वो समय जैसे मनु बतासा चाचा लगे फोन कहनी तो वहाँ कहें हाँ बाबू देखो ना हम शूटिंग में आएल बने 2 के बाद है। अब देखिए वो भी किसी किसी के पास शूटिंग करने के लिए गए हैं, उसका भी पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, ऊपर भी पैसा लागता तो वहाँ से वो छोड़ के ना है तो अब 2-4 के बाद वो छोड़ के आइए तब हमारा फिल्म के डबिंग करिए। तो ए तरह का होला अगर पिक्चर में 20 कलाकार बा अवेलेबल रही तो तुरंत 5 में डबिंग हो जाए, लेकिन ये लोग ये भी लोग के नाम धैनी हो ये लोग बड़ा बड़ा स्टार बालो तो बड़ा बड़ा बालो तो ये लोग के समय फ्री नहीं है, लेकिन सबके काम कर लो बहुत कोऑपरेटिव हलो केहू में एक पैसा के कमी नहीं है। कभी भविष्य में फिल्म तारा बनवावे को हुई तो ये लोग से संपर्क करिए, मिलिए ना संपर्क हुई तो हमरा से बात करिए हम मिला दे हमरा से नंबर मांगिए हम दे दें, ये लोग बहुत कोऑपरेटिव वालो आ ये लोग के जन बा अब वह समय के कीमत हो। अब सुनो अब जैसे डबिंग के बाद डबिंग कहीं तो हम जाए कल हलूँ अब अंजना जी के बुलाओ बंकर लगे समय नहीं है समय नहीं। हाँ अर्षद जी हम एक शूटिंग पे हैं आते हैं तो कर देते हैं, सब कोई डबिंग करी केहू ना के ना करी डबिंग खतरा तो लोग परेशान रहना कि हमार आवाज़ रियल जाए के चाहिए, ऐसे कि ऑडियंस के सामने जब हम अपन आवाज़ रियल ना दें तो ऑडियंस का जाने की और सब सीखा हम जब रुआ लोगों के अपन आवाज़ ना दें तो वह का जाने लोग, यही तरह सब कोई चाहेला कि हमार आवाज़ रियल जाए तो सब कोई डबिंग करेला। अब डबिंग हो गई डबिंग के समय हो गए डबिंग से पहले एडिटिंग होला फाइनल जब एडिटिंग हुई तो फाइनल जब एडिटिंग हुई गई तो एगो शॉट के अच्छा तोनी के एक एगो शॉट के कब लगा लगा जाना 2-4 से हमनी के एगो शॉट के कम से कम 10-25 जाना। अब वो शॉट में से प्रोडक्शन में जाए तो वो सीन नंबर जैसे एक सीन नंबर एक हो गए तो सीन नंबर एक के वो पेज पेज तो पेज में से देखा जाए कि सीन नंबर एक में से कौन शॉट बढ़िया बा ठीक बा कौन शॉट बढ़िया तो उस शॉट डालल जाए। अब बताओ अगर ये बताओ एक सीन के हमारा मैंने करेक्शन करे के बाद एक सीन के हमने के परफेक्ट करे के बाद जैसे सीन नंबर 1 उसमें अगर 10 शॉट लागल बा तो 10 शॉट में तो सबसे पहले एडिटर जो बा खोजे के पड़ी अब खोजे में कम से कम ओकरा समय लगे आधा घंटा आ उ सब शॉट के खोजी चलाई फिर सब शॉट के खोजी चलाई अब 10 शॉट में से जौन ओकरा अच्छा लागी उ शॉट के डाली। अब हो गए डिरेक्शन के बाद
अब डिरेक्शन में देखल जाए कि भाई शॉर्ट अगर हमारे 3 सेकंड के बाद अब वहाँ डायरेक्टर साहब के बोल कि हाँ सर सीन नंबर जो है एक का ओकर डिरेक्शन हम क्या कि फिल्म 2 घंटा से लेकर 2 घंटा 25 मिनट तक ही हमारा बनाबे के बाद या 2.5 घंटा तक बनाबे के बाद उसमें डायरेक्टर साहब ने फोन कर लिया कि सर ये सीन नंबर एक का जो सीन है इसको कितना समय तक हम बना दें मैंने डिरेक्शन समझल ना अगर टाइमिंग कह सीन के हम 1 मिनट खतरा रखी कि 2 मिनट खतरा रखी कि 3 मिनट अब डायरेक्टर साहब बोले कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है अगर डायरेक्टर साहब बगल बगल में होंगे तो चल जाइए आ ना होंगे कहीं जगह से शहर से बाहर होंगे तो फोन पर लाइन अप करिए कि हाँ ये सीन नंबर एक के रउआ ओकरा के मैंने समझी कि रउआ 30 सेकंड के बना 30 सेकंड के बना तो अब उन्हें देखल जाए कि सीन नंबर मान ली अगर 10 गो शॉर्ट लागल बा तो 30 सेकंड से सब लेके एक एक मिनट के भैल बा तो अब 30 सेकंड के में से 1 मिनट में से 30 सेकंड के शॉर्ट चुनल जन फुटेज बा काट के हाँ 30 सेकंड के ही बनाव ठीक बा यही तरह कर कर के फिल्म के सीन बाई सीन जोड़ के तब फिल्म डायरेक्टर के दिमाग में चलता कि हम इस सीन के जन जोड़ तानी सीन नंबर एक के हेतना मिनट डालनी सीन नंबर दू के हेतना डालनी 3 मिनट अब सीन नंबर एक से लेके अगर 65 सीन 70 सीन बा तो 1 से लेके 65 सीन तक दिमाग में खोल ला बा कि कौन सीन के हम कितना देर लगाए कि हमार जाके 2.5 मिनट या 2 मिनट 20 मिनट 25 मिनट के फिल्म पूरी ठीक बा कि हो गए फिल्म तैयार करे के ऐसे भी बड़का लफड़ा कहाँ फंसेला जब रउआ सेंसर में जाए सेंसर होला सेंसर में जब रउआ घुसे रउआ कितनों मटेरियल बना के लेके चल जाए आ जब सेंसर में रउआ जाए तरह एक एक सिनेमा के चेक हो एक एक सीन के चेक हो अगर लागता कि हाँ ई सीन समाज के गलत असर दे सकता तो तुरंत सेंसर के द्वारा ओकरा के बोलल जाला ये फुटेज को इस सीन को आप डिलीट कीजिए आ नहीं तो आवाज़ अगर आवाज़ में लागत कि सीन अच्छा लागता आवाज़ के जैसे कुछ गलत बोल रहे हैं तो कही कि आवाज़ के म्यूट म्यूट के मतलब है कि आवाज़ के बंद तो बहुत फिल्म में देखो तो कि मुँह चलल हल्का आवाज़ बंद हमरो फिल्म में कुछ कुछ जगह बा जन आवाज़ म्यूट कर गई बा काहे कि 2-4 जगह रफ हम बोल दिले बानी तो रफ बोल दिले बानी सर तो समझी कि ओकरा के तो म्यूट करे के बा आ सेंसर के खिलाफ हम भी नहीं जा सकत केहू नहीं जा सकते अब फिर उस फिल्म के हम आवाज़ के म्यूट करा के फिर सेंसर में भेजल गई बा तो बहुत जल्दी हमारे सेंसर कॉपी मिले वाला बा तो रउआ सबके सामने हमार फिल्म यूट्यूब पर आ जाई नज़दीकी रउआ सबके सिनेमा घर में आ जाई टीवी चैनल पर आ जाई आ रउआ सब फिल्म के हमरा देखेम अपन आशीर्वाद प्यार देम पिक्चर के नाम हमार रब हमके मिला दो हमरा जान से एमे जे भी बा बड़ा बड़ा स्टार बा लोग ठीक बा आ स्टोरी भी बहुत अच्छा बा रउआ लोगों के बहुत अच्छा लगी और बोले रउआ और कुछ बोले के चाहता नहीं अपना फिल्म के बारे में कहानी बता दी देखिए पता लग जाए कि मतलब कहे का मतलब फिल्म के कहानी तो ऑडियंस के जब अच्छी बताई जब हम फिल्म के कहानी तुम्हारा के बताइए पूरा फिल्म में देखा केहू फिल्म के कहानी ना बतावला कि देखिए मोटिफाइड हमारा कर तारा कि रउआ उगली लेकिन हम उगले वाला हीरो नहीं थी ठीक बा लेकिन हाँ रउआ जब कहनी तो हल्का सा देखी हाँ देखिए फिल्म बताइए देनी पूरा ऑडियंस के सामने कि फिल्म रोमांटिक लव स्टोरी कॉमेडी पारिवारिक फिल्म बा फिल्म में हर एक तरह के मटेरियल डालल गई बा एक एक सीन में रउआ लोगों के मजा मिली आ रउओ जान देखे तो रोते जाही को बा आ जान तो रउओ मन ना करी फिल्म छोड़ के हटा के लेकिन फिल्म में कुछ ऐसा शब्द बा कि हीरो घरे रहता कुछ ऐसा सीन बन जाता कि शहर में जाए के पड़ता का भटक रहल बा कुछ समय बीतता मतारी परेशान भी आ कि भाई हमारा लड़का कहाँ बा का आ फोन कर दिया मतारी फोन कर दिया हीरो फोन के काट काट देता काहे कि ओकरा सामने ऐसा मजबूरी ही आ गई बा कि समझी कि अब ओकरा सामने हो गई बा कि जीना मरना ना होला जीना मरना तेरे साथ अब उ मकसद के पूरा करे खातिर एकदम मोटिफाइड मतलब हो गई बा अब हमारा ये मकसद के पूरा कर ही के मैंने सांस लेने के बा तो कुछ समय ऐसा बीतता बीतत बीतत जाता तो मतारी कुछ लड़का के ऐसा बात कहता रही
रउआ लोगों का फिल्म नहीं बतावा हल्का हल्का बतावा था नहीं जब बता दें तो फिल्म हमारा फिल्म जाकर देखा कहा तो सब फिल्म हमारा मुँह से सुन लेना कुछ ऐसा बात बेटा से मतारी कहता या मतारी कहला बड़ी कि बहन कहला बड़ी कि बक्सी कहला बड़ी इस सब रउआ फिल्म में मिले हम खोलत नहीं थी लेकिन कुछ ऐसा बात कहता रही कि लड़का के लगे खून खबता ऐसा बात ही घर से जा रहा बा कि मैंने हम का बता दी कि अगर हमारा के छोड़ दी हम तो फिल्म में हीरो बनी आम लड़का भी हुई नॉर्मल लड़का हुई या रउआ लोगन होखे या जे भी अपना माई से या परिवार से मोहब्बत करत हुई रउआ अगर माटी में गड़ल होते माटी में तो माई ऐसा बातें या घर से उनका माई भी नहीं बोल रहे कि माई बोली है कोई बोल सकता है ये सब रउआ लोगों की नहीं मिली अगर माटी में रउआ गड़ल रहे हम लोगन तब रउआ लोग अगर माटी में गड़ल बानी जिंदा बानी मरला के बाद तो रउआ निकले ना तो भगवान में रउआ के रूह डाले आ चाहे कोनो दिव्य शक्ति हुई तब रउआ निकले माटी में गड़ल बानी अगर और जिंदा बानी और वह माटी में से निकले अब रउआ सुन ली लोग फिल्म में कौन सब माटी में गड़ल बानी जिंदा बानी अगर भगवान भगवान भी उस बात पर आकर्षित हो जा तो रूह डालस तब रउआ निकल के घर जाए यही सब रउआ लोग फिल्म इतने में हमारा ऑडियंस के पता लग गए हमारे भोजपुरिया दर्शक के पता लग गए हमार जे भी बा हिंदी के दर्शक होके हमार भोजपुरिया दर्शक होके मराठी दर्शक होके गुजराती दर्शक होके जे भी बा अगर भोजपुरी देखत हुई तो हमारा फिल्म के जरूर देखे लोगन आ जे भोजपुरी हमार दर्शक बा तो समझी कि 100% देखें के बा आ सबके हम कहें कि हमारा रउआ भोजपुरी फिल्म बा रब हमके मिला दे हमारा जान से रउआ एक बेर जरूर देखें लोगन अपन आशीर्वाद प्यार हमारा के जरूर दें लोग बोले रउआ का कहते हैं बैनर के तो लोग देखिए फिल्म जौन रिलीज हो रहा बा समीर फिल्म प्रोडक्शन हाउस के तरफ से हो रहा बा समीर फिल्म प्रोडक्शन हाउस जौन अपन बैनर जौन हो दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता के ना हो अपन बैनर अपना बिहार के पश्चिमी चंपारण बेतिया जिला के बैनर हो अपना बिहार के पश्चिमी चंपारण बेतिया जिला के बैनर हो ठीक बा आ समीर फिल्म प्रोडक्शन हाउस के बैनर बा ठीक बा मालिक कुछ नहीं हो तो ना मालिक एक जे बा सवाना परवीन शेख बाड़ी ठीक बा बैनर के मालिक सवाना परवीन शेख बाड़ी और हम के हीरो बनी सब काम करे वाला बनी लेकिन जवना बैनर के द्वारा हम काम कैले बनी वो बैनर समझी कि हमार हो अच्छा जे भी स्टार कोनो बैनर के द्वारा काम करेला या आज के बाद हम कोनो बैनर के द्वारा जाके काम करतनी तो ई जे भी बा सोचे के चाही आ सब कोई सोचला सोचे के ना चाहिए सब कोई सोचला कि ई बैनर हमार ई बैनर में हम काम करतनी ई देखिए हम समीर फिल्म प्रोडक्शन हाउस के बैनर से काम कैले बनी तो ई बैनर जौन बा समझी कि बैनर से हमारा उम्मीद बा कि ई बैनर समझी कि आगे होखू बहुत बुलंदी पर जाओ ताकि ई बैनर में सबके ना होला सबके एगो हमनी के ना होला देहाती भाषा रोजी रोटी सबके ओमे हाँ लाग रोजी रोटी चलत रहे बिजनेस लागे रहे का बैनर जब खड़ा रही एगो समीर फिल्म ही ना माने हमनी के भारत में जितना बैनर बा सब बैनर के हम भगवान से प्रार्थना करें कि सब बैनर के भगवान बुलंदी पर रख आ सब बैनर एकदम खड़ा रहे कोनो बैनर चले प्रेमी जी रुआ तो भोजपुरी के बहुत अच्छा खासा राइटर बनी बहुत नाम बा हमनी के हाथी गाना सुनने रुआ बहुत दिन लगभग दस गो से गाना हिट दिले बने जैसे कि अभिषेक बाबू के गाना आई रहे एक बार कि सैया जी नीचे हम ऊपर से ओकरा बाद में रुआ एक और गाना आई रहे गाना मत खोले जगह गाना बन रहे हाँ ठीक बात लेकिन और नाम भी काफ़ी हमने के भी सोचे था जैसे कि रुआ हमने के प्रोडक्शन हाउस ला कुछ गाना तैयार करें अपलोड कर अपना ही बैनर से हमने के प्रोडक्शन और समीर फिल्म प्रोडक्शन हाउस आ एक प्रोडक्शन से जनबा सीजी के पास हम आई बनी आ यहाँ हमारा पास भी यहाँ गई रही तो कुछ बात भई
आ हम कुछ काम से मुंबई रही है, ये फिल्म जो आ रहा बा हमके मिला रहा हमारा जान से एक पोस्ट प्रोडक्शन के काम मुंबई में चल रहा बा, तो एक काम से हम गई रही तो शिव जी से बात भई कि शिव जी रहुआ यूट्यूब चैनल पे आ अपना फ्रेंड लोग के मुँह से भी सुनने बनी रहुआ बहुत मैंने छोले बनी तो हमार कुछ बाकी रहुआ हमारे चैनल खतरा कुछ लिख के दी तो आज शिव जी के पास हम आयल बनी। अच्छा ये शिव जी बताई कि रहुआ अगर गीत जन लिखता नहीं, अच्छा रहुआ से केहू अगर सीनियर अगर केहू लिखता अगर गाना हिट होता तो रहुआ प्रति का एहसास होता का रहुआ प्रति एनर्जी जागेला कि हमें का करे के चाहिए। सब देखला के बाद में हम खुशी मिलेगा और कुछ कर दिखावे खातिर ये चाहिए हमने के यूपी के जे भी होके बिहार के होके अपन पश्चिमी चंपारण के होके या अपना भारत देश के जे भी होके ओकरा अंदर एनर्जी होके के चाहिए कि हाँ अगलवा के गाना देखी हिंकर गाना हिट कैले बा तो हम ऐसे सुपर डुपर हिट एकरा कहल जाला एनर्जी। लेकिन ये कभी भविष्य में रहुआ मत सोचें लोगों कि अगला गाना हिट भइल बा तो ओकर ऐसा उपाय करी ऐसा पिन लगाई कि उपाय हो जाए, ये कभी मत करें लोगों। जे भी हमार यूपी बिहार के जे भी हमार भाई सुन रहा बा चाहे जे भी हमार पश्चिमी चंपारण के जे भी राइटर सुन रहा बा चाहे जे भी हमार मने ए लाइन से पिक्चर लाइन से या दुनिया में कोनो लाइन से जे भी व्यवसायी लाइन होके या कोनो लाइन से जे भी हमार दर्शक होके केहू के प्रति कभी गलती मत सोचम लोगन। एगो कहाव सुनने बानी लोगन कि रउआ गड्ढा खोनम तो पहले रउए गिरे ओकरा बादे में दूसर पार्टी गिरी। रउआ केहू के प्रति अगर गलत सोचता नहीं तब भगवान रउआ प्रति गलत सोचे कार लगा दियन, लेकिन गलत के जीत जल्दी होला सच्चाई के जीत लास्ट में होला। वो आदमी का हर एक इंसान के सामने आ जा रहा तो ये कभी भी भगवान के सामने हम विनती करता नहीं ठीक बा। और रउआ लोगन से भी हम विनती हाथ जोड़ के करता नहीं कि केहू के प्रति रउआ सब गलती भविष्य में मत सोचे लोगन। अगर केहू अगर आगे निकलता तो इतना भगवान से जरूर प्रार्थना करें कि भगवान अगला आगे निकल रहा बा मेहनत कर रहा बा तो भगवान एकरा के और ही बुलंदी पर चौंपावा। और वो सोचें कि अगला बुलंदी पर जाता कि हम का करें कि हमू बुलंदी पर चौंपा, ये आज़ादी बा कहे का मतलब रहुआ जब दिमाग में ना सोचें तो प्रोग्रेस कैसे करें, प्रोग्रेस रहुआ कैसे करें, कैसे रहू मैंने समझी कि और प्रोग्रेस हो कैसे रहुआ लगे दू गो रुपया आई वो भी बड़ा आदमी के हरेक इंसान के ख्वाहिश होगा कि हमू बड़ा हो कि हमारे लगे चार चक्का गाड़ी होके हमारे लोग अच्छा बंगला होके हमारो अच्छा घर होके। लेकिन ओकरा खातिर रउआ अपन दिमाग से सोचे पड़ी अपन दिमाग में चैनल बनावे पड़ी कि भाई हम कौन चीज़ दिमाग में सोची कि हम कि जो हम दिमाग में सोच ले बानी ओकरा के हम पूरा करें। ई दिमाग में कभी मत सोचे लोगों कि फलानवा इतना पैसा कमाता तो ओकरा के हम हिया फंसा दी हुआ फंसा दी। अक्सर मैंने समझी कि हमने के देश में ई हो रहा बा एकरा प्रति कभी मत सोच ठीक बा। आ अपना देश में अक्सर जन देखता इन लोगों मतारी हो गई बाप हो गई बहन हो गई ये लोग के भी रहुआ इज्जत सम्मान करम लोगों काहे कि लक्ष्मी जी ना रहन तो धरती के विनाश हो जे भी बा जे भी हमार बहन सुन रहा बा हमारा बात के जे भी हमार माता समान जे भी हमार माई बड़ी सुन रहा बड़ी तो रउआ सबके हमारा तरफ से नमस्कार बा प्रणाम बा। आ जे भी हमार मुस्लिम बहन भाई हमार दोस्त जे भी सुन रहा बा हमारा तरफ से अस्सलाम वालेकुम सबके रउआ जे भी बानी हमार भोजपुरिया दर्शक जे भी सुन रहा बा हमारा हिंदुस्तान के जे भी लोग सुन रहा बा वो सब कभी भी केहू के प्रति गलत मत सोचे लोगन। गलत सोचे तो पहले रउआ गड्ढा में गिरन ओकरा बाद ओ आदमी गिरन। अच्छा ये बताई अब तनी शिवजी से हम आई कुछ बात करे खातिर यहाँ से भी हम कुछ बात कर। अच्छा शिवजी जी बताई रउआ से तो फोन पर हम मुंबई में बात करें आ हमारा समय ना मिलत होगा कि रउआ से आके हम मिली तो ये बताई हमार प्रोडक्शन हाँ समीर फिल्म प्रोडक्शन हाउस और प्रोडक्शन से बनल बा रब हमके मिला दो हमारा जान से फिल्म जैमे स्टार कास्ट में अंजना सिंह अनूप अरोड़ा मनोज टाइगर बतासा चाचा लालधारी सीती ई बहुत से लोग जे भी बा ओमे हमू बानी हीरो के काम हमू कैले बानी। हमार नाम हो अरशद सिंह अरशद सिंह के नाम हो समीर फिल्म प्रोडक्शन से
फिल्म तैयार भइल बा आ प्रोडक्शन जन बा अपन पश्चिमी चंपारण के हो, पश्चिमी चंपारण के हो, बेतिया जिला के अपन प्रोडक्शन हो। आ ए प्रोडक्शन खातिर हम आइल बानी शिवजी के पास मिले खातिर, इनकरा से कुछ एल्बम के गाना लेवे के बा, कुछ फिल्म के गाना लेवे के बा, कुछ फिल्म के स्टोरी खातिर हम इनका से बात कर रहल बानी आ फिल्म के स्टोरी के बात इनका से करा तानी। आ बहुत जल्दी अभी आज के दिन में कॉमेडी वीडियो बनावे जा रहा हूँ, तो हम सोचा तानी कि ई कॉमेडी वीडियो आज आज बना लोगन, तो आज कॉमेडी वीडियो बना ली लोगन। आई वीडियो कर हुआ हमारा के दी, ठीक बा, हमारा के मध्य समीर फिल्म प्रोडक्शन हाउस के दीदी यहाँ के जे भी बा, मेल आई डी है समीर फिल्म प्रोडक्शन हाउस, समीर फिल्म प्रोडक्शन हाउस मेल आई डी हो। आ ऊपर हुआ मेल आई डी पर भी हुआ अपन जो भी मैंने दिल के बात बार हुआ लिख के रिप्लाई ले सकता बानी, ठीक बा। आ जब भी संपर्क करे के हो हमारा से भी रहुआ संपर्क कर सकता बानी, हमारे मोबाइल नंबर है 95 46 65 45 35। जब भी रहुआ समीर फिल्म के रहुआ साइट पर जाए, समीर फिल्म पर साइट पर जाए, ऊपर रहुआ हमारा मोबाइल नंबर मिल जाए, हमें के जो डायरेक्टर बानी सबाना परवीन शेख उनपर भी रहुआ मोबाइल नंबर मिल जाए, वो प्रोडक्शन के जे मैनेजिंग डायरेक्टर बनल जे बनल जे बा मिथिलेश यादव जी उनपर भी रहुआ के कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाए। अच्छे शिवजी जी रहुआ बताई कि कितना देर में हमारा घर वाले लोगों ने वीडियो बना के दे दिया। कॉमेडी वीडियो भी बना रहे हैं, हमें पूरा दिन लग जाएगा, आज पूरा दिन लग जाए उसके बाद एडिटिंग हो फिर उसका बाद क्या बोलेगा मैंने दो तीन दिन के अंदर में दो तीन दिन के अंदर में रोगा लोगों के समीर फिल्म प्रोडक्शन हाउस पे लोग कॉमेडी वीडियो आई यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब चैनल है समीर फिल्म प्रोडक्शन हाउस। आ रोगा लोगों ने चैनल के बहुत आशीर्वाद प्यार दिले बनी कि आज के डेट में 25 क्रॉस कर गई बा, ठीक बा। तो रोगा लोगों यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब जरूर करें लोगों, आशीर्वाद प्यार समीर फिल्म प्रोडक्शन हाउस के ही तरफ नहीं जा रहे हम लोगों एक दिन में दे देना लोगों के। आ यहाँ के राइटिंग से बहुत जल्दी हमारे एल्बम भी आ रहा बा, एल्बम बहुत जल्दी रिलीज होके वाला बा, रहुआ सब एल्बम देखें लोगों, हमारा फिल्म के भी रहुआ देखें लोगों, जो फिल्म हमारा आल बा रब हमके मिला दा हमारा जान से। आ फिल्म जन बा रहुआ लोगों देखें लोगों, फिल्म में एक सीन से ले के फाइनल सीन तक एक एक ट्रीटमेंट रहा बा, रहुआ एक सीन में जो मजा मिली दूसरका में कुछ अलग मिली, तीसरका में कुछ और मिली, कहीं रोमांस मिली, कहीं कॉमेडी मिली, कहीं लव मिली, कहीं पारिवारिक मिली, मैंने हरेक ट्रीटमेंट से फिल्म के सजावल गई बा। आ फिल्म बहुत अच्छा बा, रब हमके मिला दा हमारा जान से, बहुत जल्दी रउआ लोग के नज़दीकी सिनेमा घर में आवे वाला बा, आ बहुत जल्दी यूट्यूब चैनल पे आवे वाला बा, बहुत जल्दी टीवी चैनल पे भी आवे वाला बा। रउआ लोग फिल्म के हमारा देखें अपन आशीर्वाद प्यार दुआ यही तरह हमारा के बनैले रहे हम लोगों। कि जे अरशद भैया हम घरे आई बने और हम के बीच में दोनों आदमी के जो बात हुई ना गाना के तरफ बात नहीं बा, जो काल से राइटिंग चालू हो जाए यहाँ के चैनल खातिर, और हमने के कॉमेडी आज तक जौन देखले बनी लगी अनिल कुमार फिल्म्स के नाम से अनिल कुमार गुप्ता फिल्म्स के नाम से अभी तक सुना तल बने और देखा तल बने। आ एक आगे यहू चैनल से आई इहो के चैनल समीर फिल्म प्रोडक्शन हाउस से उसे आवे वाला बा। अब हमरा के आशीर्वाद दुआ हमरा के आशीर्वाद दुआ दी लोग कि अब हम और भी बहुत काम बा कि हम अपन और भी काम करें, और यही तरह हमरा के दुआ बनले रही लोग हम रोज दुआ बनल रही हम जिंदा रहें सलामत रहें तबे रउआ लोगों खतरा नया नया कुछ अलग तरीका से हम सोच के रउआ लोगों के सामने ले आवत रहें।